लेकिन इसी को लेकर अब जो है बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि आखिर देरी जो है लीगल टीम की तरफ से क्यों की गई है। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि शाम 5 बजे कांग्रेस की एक अहम बैठक भी है, लेकिन उससे पहले उनका बयान सुनिए। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। तो लगातार चुनौतियां यहां पर बढ़ती जा रही है कांग्रेस के लिए, और ऐसे में नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब क्या रास्ता दिख रहा है, क्योंकि सीमित विकल्प ही बचे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ती हुई कांग्रेस यहां पर दिखेगी? देखिए, विकल्पों के बारे में विक्रांत जी ने बताया, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पूरे मामले के पी सेंटर राहुल गांधी के आवास के बाहर, और यहां पुलिस ने उनके घर के बाहर छावनी जैसा माहौल पैदा कर दिया है। सबसे पहले आपको इधर की तस्वीरें दिखाते हैं। तुगलक रोड से तुगलक लेन का रास्ता निकलता है, 100 मीटर की दूरी पर 8 से 10 बैरिकेड रखे गए हैं। दूसरी तरफ कैमरा पर्सन राजेश से कहेंगे, यहां से राहुल गांधी के आवास का जो रास्ता है, आमतौर पर जो नेता पहुंचते हैं वो यहीं से आते हैं। यहां पुलिस की तादाद आप देख सकते हैं, ये जो बैरिकेड है बीच में रखा गया है, और यहां से 100 मीटर की दूरी पर राजेश से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाए, बाहर पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। आधे घंटे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पहुंची थी। जाहिर सी बात है आने वाले वक्त की रणनीति पर चर्चा हुई होगी, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बैठक बुलाई है ताकि आने वाले वक्त की रणनीति पर बात किया जा सके, लेकिन अभी की जो बैठक होगी शाम 5 बजे की, उसमें कानूनी पहलू से ज्यादा राजनीतिक पहलू पर चर्चा होगी कि कैसे आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, जो लोकसभा सचिवालय ने फैसला किया है संसद की सदस्यता खत्म करने का, उसके खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण लड़ाई आपको कानूनी तौर पे लीगल तौर पे लड़नी होगी, और इसमें किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल गांधी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हमने विक्रांत को भी सुना और साथ ही नीरज को भी यहां पर सुना, क्या कुछ अब आपको लगता है कांग्रेस की आगे की सियासत किस तरह से अब नजर आने वाली? हालांकि कांग्रेस इस फैसले को लेकर शाम 5 बजे एक हाई लेवल बैठक भी यहां पर करती हुई दिखाई देगी, पर अब कांग्रेस की रणनीति किस तरह से यहां पर सामने आएगी, क्योंकि बार बार वो यही कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हुआ है। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि दो फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी है, एक तो लीगल फ्रंट पे लड़नी है, वो सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो लीगल ऑप्शन है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर जो 24 अकबर रोड है उसका एक दृश्य आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता छिटपुट तरीके से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की बैठक यहाँ पर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अंदर नहीं आ पा रहे हैं। बाहर बैरिकेडिंग की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस को शक है और इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पुलिस बैरिकेड कर चुकी है। और चूंकि नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू होती है जब संसद की प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए भी भीड़ नहीं इकट्ठा होने दी जा रही। जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में वो जाएंगे, और जैसा कि विक्रांत जी बता रहे थे कि आप सजा पर और जो दोष सिद्ध हुआ है, दोनों परख जब तक स्टे नहीं लेंगे तब तक आपकी सदस्यता नहीं बचती है, तो सदस्यता बचाने के लिए आपको इन दोनों पर स्टे लेना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाई की जहां तक सवाल है, 5 बजे जो बैठक है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई, वो इसीलिए क्योंकि सोमवार को पहले से ही घोषित कर दिया गया देशव्यापी प्रदर्शन होगा, और उसी मुद्दे को सूरत कोर्ट ने जो उनको दोषी ठहराया है उसी मुद्दे पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में, वो ये कह रही है कि ये सारे तंत्र का उपयोग करके राहुल गांधी की आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाई जा रही है, और ये प्रदर्शन जो होगा ये राजनीतिक प्रदर्शन होगा। और इसमें यह कहा जाएगा, कल जो बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे शाम को 7 बजे, उसमें दिग्विजय सिंह और पवन बंसल दोनों ने यह संदेश दिया था, और ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को वही बात कहनी चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में या फिर नीरव मोदी के बारे में कहते हुए और सजा के भागी बने हैं राहुल गांधी, और बोलना चाहिए कि हम सारे लोग। अरुण, देखिए राजनीतिक तौर पर तो हमलावर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पे, भले ही कांग्रेस पार्टी ये कहे कि देखिए भ्रष्टाचार के मामले हम उठाते हैं, अदाणी मसले को लेकर हम आए, इस वजह से आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन कानूनी तौर पर सबसे बड़ा कदम अब लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में अंदर खाने क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सजा और कन्विक्शन दोनों को सस्पेंड करवाया जाए।
नहीं तो फिर 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए जो लीगल टीम है वो निश्चित रूप से सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का विकल्प तलाश रही। जो 30 दिन का समय मिला था कांग्रेस पार्टी को, ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी नहीं, इसमें सोच विचार करके या तो सेशंस कोर्ट में डाला जाए याचिका, या तो फिर हाई कोर्ट में डाला जाए। निश्चित रूप से सेशंस कोर्ट पहला विकल्प होता है। जब तक सजा पर और जब तक दोष सिद्धि दोनों पर स्टे नहीं लेंगे तब तक इनकी सदस्यता नहीं वापस होगी। पहले ऐसे इंस्टांसेस हैं, ऐसे उदाहरण हैं कि जब सदस्यता जाने के बाद भी अगर आपको स्टे मिल गया तो आपकी सदस्यता वापस हो गई। लेकिन यहां उनको ये नहीं पता था कांग्रेस पार्टी को इतना जल्दी हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जरूर कल आशंका जताई थी कि सरकार देरी नहीं करेगी लेकिन 24 घंटे के अंदर कर देगी, ये शायद कांग्रेस पार्टी इतना आभास नहीं लगा पा रही थी। जहां तक लीगल रेमेडीज का सवाल है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और कांग्रेस पार्टी के जो लीगल माइंड है अभिषेक मनु सिंघवी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि हम अपील तो करेंगे, हमें 30 दिन का वक्त मिला है, हम उसके पहले अपील कर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प सीमित है। अब इस लड़ाई को कानूनी से ज्यादा उनको राजनीतिक बनाने की सोच रही है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए ये जो 5 बजे की बैठक है या कल जो बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर या फिर सोमवार को जो देशव्यापी प्रदर्शन या फिर आज जो संसद